एक शाम नायरा और नील पार्क में खेल रहे थे। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। सुनो, क्या तुम्हें रोने की आवाज सुनाई दी? हाँ, कौन हो सकता है? उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। देखो पेड़ के पीछे। वो दोनों पेड़ की तरफ भागे और उस तक पहुँचे। वहाँ पेड़ के नीचे एक अक्षर ए बैठा था। वो रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? मैं हूँ अक्षर ए। मैं बहुत दुखी हूँ। रोना बंद करो प्लीज, और हमें बताओ कि तुम दुखी क्यों हो। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? लेकिन सबके दोस्त होते हैं, तो तुम्हारे क्यों नहीं है? अक्षर ए ने उन्हें बताया कि वो एक अक्षर है और उसी अक्षर से शुरू होने वाले और उसके जैसे सुनाई देने वाले शब्दों से ही दोस्ती कर सकता है। नायरा कुछ समझी नहीं। उसने अक्षर ए से पूछा, ए अक्षर का उच्चारण कैसे होता है? मेरा उच्चारण है ए, ए। नायरा, अक्षर ए को अच्छी तरह से देखो। देखो ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं तिरछी रेखा से, जो ऊपर से नीचे तक बाईं तरफ जाएगी और फिर एक रेखा ऊपर से नीचे तक दाहिनी तरफ और फिर एक छोटी सी सोती हुई रेखा बीच में। चिंता मत करो अक्षर ए, हम तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ लेंगे। अक्षर ए ने अपने आंसू पोंछे और वो बहुत खुश हुआ। वो तीनों अक्षर ए के दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब वो चल रहे थे, नायरा चिल्लाने लगी, एंट, एंट, एंट। एक एंट नायरा के पैर पर चढ़ रही थी। वो यहाँ वहाँ उछल कूद करने लगी। क्या हुआ नायरा? मेरे पैर पर एक एंट है। चिंता मत करो, एंट तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। एंट की शुरुआत अक्षर ए से होती है और उसकी ध्वनि होती है ए। इसका मतलब समझ गई नायरा? इसका मतलब एंट अक्षर ए की दोस्त बन सकती है। देखो, हमने तुम्हारे लिए दोस्त ढूंढ लिया अक्षर ए। अक्षर ए एंट से मिलकर बहुत खुश हुआ। वो उसकी पहली दोस्त बनी। वो सारे और दोस्तों को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। चलते चलते वे बहुत सारे एप्पल के पेड़ों के नीचे पहुंचे। बहुत सारे एप्पल्स नीचे गिरे हुए थे। नील ने जाकर एक एप्पल उठाया और उनकी तरफ वापस लौट आया। देखो नायरा, एप्पल, ये अक्षर ए का नया दोस्त बन सकता है। ये मैंने क्यों नहीं सोचा? एप्पल अक्षर ए से शुरू होता है और इसके उच्चारण में ए भी है। अब तुम्हारे दो दोस्त हैं अक्षर ए एंट और एप्पल। ये दोनों अक्षर ए से शुरू होते हैं और इनकी ध्वनि ए होती है। नायरा, नील, अक्षर ए, एप्पल और एंट चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच गए। एक बड़ा सा एलिगेटर पानी में तैर रहा था। ये एलिगेटर है ना नील? हाँ, ये एक एलिगेटर है और अक्षर ए का नया दोस्त भी। कैसे? क्योंकि एलिगेटर अक्षर ए से शुरू होता है और इसकी ध्वनि है ए। एलिगेटर। हाँ, अक्षर ए, अब तुम्हारे तीन दोस्त हैं।
एंड एप्पल और एलिगेटर। थैंक यू सो मच नायरा और नील, तुम दोनों कितने दयालु हो, नए दोस्त ढूंढने में मेरी मदद की। यू आर वेलकम अक्षर। अक्षर एक खुशी खुशी अपने तीन नए दोस्तों के साथ घर लौट गया, एंड एप्पल और एलिगेटर। एंटर एप्पल एसे शुरू, एसे शुरू, एसे शुरू। एंटर एप्पल एसे शुरू और एलिगेटर भी। हेलो दोस्तों, आप सब कैपिटल लेटर ए से मिल चुके हैं। अब मैं आपको स्मॉल लेटर ए से मिलवाता हूँ। लेटर ए से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। चलो ए। सारे जोर से बोलो। ए, ए, एंड।